हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरव्यू में पूछे वाले पांच महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, जो पांच महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में पता करेंगे। तो पहला जो है क्वेश्चन है दोस्तों, जो पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कितने प्रकार की होती है। अगर आपका आंसर दो है, एसी और डीसी, तो गलत है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायर और केबल में क्या अंतर होता है। और तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वह क्या है, न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या अंतर होता है। न्यूट्रल क्या होता है और अर्थिंग क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपका जो चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वह होता है मेगर क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे हर बार जो है सब जगह पर लगभग पूछ लिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर क्या है। इन पांचों क्वेश्चनों का आंसर हम जानेंगे दोस्तों इस वीडियो पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर, बिजली कितने प्रकार की होती है। तो इसके पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें अच्छे से समझाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो आपकी जो बिजली होती है दोस्तों, वह दो प्रकार की होती है। पहली जो होती है वह होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम अचल विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका प्रयोग जो है दोस्तों नहीं करते, क्योंकि यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती। और दूसरा जो होता है दोस्तों, आपका दूसरी जो होती है वह डायनेमिक करंट होती है, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम गतिशील विद्युत कहते हैं। इसका हम प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं और आजकल इसी का जो है प्रयोग सभी जगह पर किया जा रहा है, चाहे आपका ट्रांसमिशन लाइन हो, चाहे आपके घर में आने वाली सभी लाइनें हों। यह जो है दो प्रकार की होती है, आपका एक एसी करंट अल्टरनेटर करंट होता है, और दूसरा जो होता है डीसी करंट, जिसे हम डीसी धारा डायरेक्ट करंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायर और केबल में क्या अंतर होता है। जी हाँ दोस्तों, वायर और केबल में अंतर जानने चल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहे और बताया आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। वायर के ऊपर दोस्तों आपका इंसुलेशन नहीं होता, और केबल के ऊपर आपका इंसुलेशन लगा होता है, ताकि वायर में इंसुलेशन नहीं होता, अगर आप उसको टच करेंगे तो आपको करंट का झटका लग सकता है। केबल में क्या होता है कि वायर के ऊपर, तार के ऊपर आपके इंसुलेशन लगा होता है, अगर आप ऊपर से टच करेंगे दोस्तों तो आपको करंट का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूट्रल और अर्थिंग में अंतर आपको बताना है। तो न्यूट्रल जो होता है दोस्तों, वह हमें ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। आपको पता है आर वाई बी के साथ एक और जो है वायर आता है, जिसे हम न्यूट्रल के नाम से जानते हैं। उसकी जो अर्थिंग की जाती है दोस्तों न्यूट्रल की, वह ट्रांसफार्मर से की जाती है। और साथ ही साथ हम जो अर्थिंग बनाते हैं, वह जमीन में गड्ढे खोदकर उसमें चालक पदार्थ डालते हैं, चाहे वह जो है मटेरियल आपका कॉपर हो, आयरन हो, और भी कोई चीज़ हो। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, अर्थिंग बनाते समय उसमें कोल डालते हैं, नमक डालते हैं। इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हैं, अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन है दोस्तों, मेगर क्या है, मेगर का उपयोग जो है आपका किस लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों मेगर एक ऐसा उपकरण है जो कि हम उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। तो दोस्तों हम जब वायर पर कोई भी इंसुलेशन लगाते हैं तो उसको देखते हैं कि कहीं ये जो है एक सही प्रकार से जो है आपका काम कर रहा है कि नहीं, इंसुलेशन का अगर हम ऊपर से टच करें करंट का झटका तो नहीं लगेगा। इसलिए उसका जो है इंसुलेशन को मापने के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो पांचवा क्वेश्चन सबसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर क्या है। तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है दोस्तों, आपका एक विशेष प्रकार का मोटर होता है, जिसे हम डीसी या सिंगल फेज एसी सप्लाई को चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों इसे हम एसी करंट से भी चला सकते हैं और डीसी करंट से भी चला सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है और बहुत ही लोगों से पूछा जाता है बहुत सारे इंटरव्यू में, कि वह कौन सा मोटर है जिसे हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चला सकते हैं। तो दोस्तों आपका वह यूनिवर्सल मोटर है, आप बहुत ही आसानी से इसे बता सकते हैं कि यूनिवर्सल मोटर हम एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चला सकते हैं। लेकिन कुछ वजह होती है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है, जो हमें बल लगाना पड़ता है, करंट देना पड़ता है, वह बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए इसे जो है हम एसी का सीरीज मोटर भी कहते हैं, इसे हम एसी के सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं। इसका जो आरपीएम होता है वह 25,000 तक हो सकता है, और इसका प्रयोग हम ड्रिल मशीन, हेयर ड्रायर, ट्रेबल फैन और ग्राइंडर में